सर मैं सबसे पहली बार 2013 में अपना इंस्टीट्यूट चालू करा, 2013 में इंस्टीट्यूट चालू करा और अपने इंस्टीट्यूट को सबसे पहले फिर YouTube और YouTube से जोड़ा, किससे जोड़ा, YouTube से पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया, सारी जनता इसके बाद YouTube पे आने लगी। पहला प्लेटफॉर्म किसने दिया, सर ने दिया, एशिया टेलीकॉम ने दिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब को इंस्टीट्यूट से जोड़ा। सेकंड टाइम अभी तक 15,000 बच्चे पढ़ा चुके हैं, कितने 15,000 बच्चे सर पढ़ा चुके हैं। अब ये कोई किसी तारों का मोहताज है क्या, सर के सब्सक्राइबर इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है। और आप सबके लिए एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है सर ने, जो कोर्स है आईफोन का, आईफोन मास्टर कोर्स। इस कोर्स में सिर्फ बच्चा पढ़ेगा नहीं, मास्टर भी बनेगा। कौन कौन विश्वास करता है इसमें, करते हैं विश्वास? Yes, तो सर के लिए एक बार जोरदार स्वागत करो, तैयार तालियों से स्वागत करो। सर आइए प्लीज। सबसे पहले मैं रिबन काटने के लिए चंद लोगों को बुलाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हाँ रिबन काट के शुरुआत करें ताकि फिर हम इसके बाद आगे बढ़ सकें। आ जाओ मम्मी, आ जाओ, आओ मम्मी, आप भी आओ, रिबन काट रहे, आओ। भाई वो क्रैकर्स वाले किधर है बच्चे, लो आ जाओ। एक और क्लाइंट यहां पर, यहां साइड आ जाओ, साइड। अरे डॉक्टर साहब आओ, अरे रिबन काट रहे, आओ आओ आओ। लाइट बढ़ा दीजिए सर, थोड़ा भी लाइट बढ़ा दो, उसके बाद लाइट बंद कर देना। थोड़ा सा लाइट बढ़ा दीजिए प्लीज, थोड़ा सा। ठीक है सर, ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। थोड़ा सा मम्मी रिबन काटेंगे अब डायरेक्ट और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए आज मैं हेलो बनना चाहिए तो बजाना है हेलो। थैंक यू। एक से सीधी लग गई, एक से नहीं लगा, चलो बेटा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेगा तू। अच्छा थैंक यू। प्लीज आप लोग बैठे, थोड़ा सा लेट मी प्रेजेंट माय एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। चलिए प्लीज टेक योर सीट, लाइट बंद करो, हेलो लाइट बंद कर दी। चलो हिंदुस्तान और पूरी दुनिया से बहुत मेहनत की है इसके लिए, 4 साल लगातार मेहनत, और ये चीज मैं 2 साल पहले भी ला सकता था पर मैंने लाया नहीं क्योंकि मैं अपने आप में खुद श्योर नहीं था ये चीज में कि इसको मैं आगे करूं कि नहीं करूं। जब तक मुझे अंदर नहीं पता, जैसे हम बोलते ना कि अब सर सीपीयू लगा लिया अब आगे बढ़ते हैं, अब कस्टमर का मोबाइल करते हैं, मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे को सियोरिटी चाहिए पूरी तरीके से 100-100%। इसलिए मैं तब तक काम करता हूं जब तक कि मुझे फुल सियोरिटी नहीं मिल जाती। यही मेरे एप्लीकेशन में मैंने दिया है, आपके सामने प्रेजेंट करता हूं इंडियन नहीं दुनिया का एक ऐसा लौटा एप्लीकेशन जो एक फर्स्ट एनिमेटेड सर्किट कोर्स है आईफोन पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रैकर्स ले आओ, एक बार क्लिक करो, iPhone Master Course, India's first animated circuit in front of you, जो कि Play Store और iOS और वेबसाइट तीनों पर है। एक बहुत ही बड़ा कदम हमारे देश के टेक्नीशियंस के लिए। दुनिया में पहली बार लॉन्च होने जा रहा है iPhone Master Course। देश के वह तकनीशियन जो एंड्रॉइड के सर्किट को बना रहे हैं पर अब आईफोन का सर्किट सीखना चाहते हैं पर पैसे ना होने के कारण और बड़े इंस्टीट्यूट में सीख कर आने के बाद भी सलूशन के लिए अपने टीचर पर डिपेंड रहते हैं। आपको यह ऐप टेक्नीशियन नहीं बल्कि आपको सर्किट में मास्टर बनाएगा।
यह कोर्स मौजूद है एंड्रॉइड प्ले स्टोर और iOS स्टोर पर, साथ ही आप इसको वेबसाइट के ऊपर भी अपने डेस्कटॉप्स पर देख सकते हैं। यह कोर्स इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में अब कोई भी तकनीशियन इस कोर्स का फायदा उठा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह कोर्स बहुत ही कम फीस, जो कि सब तकनीशियन अफोर्ड कर सकते हैं। अब आपको कोई कर्ज लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने पूरे कोर्स को मॉडल वाइज डिजाइन किया है, जहां अभी आईफोन 6 के 36 टोटल सेक्शन अपलोड हैं। उम्मीद है आपको यह कोर्स के बाद एक प्रोफेशनल तकनीशियन जैसी फीलिंग होगी और इस कोर्स से आप आईफोन बना सकते हैं। तो ये था छोटा सा इंट्रो, आप मैं थोड़ा अपने कोर्स के बारे में और इस आईफोन के एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा। और ये साथ में हमारे स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम भी चल रहा है इसके साथ। फिर बाद में मैं थोड़े से अपने चुनिंदा लोगों को बुलाऊंगा और बता दें पूछने के लिए कि उनको कैसा लगा यहाँ पर। देखिये, ये जो कोर्स है इसको बनाने का जो मेरा मोटिव है या माइलस्टोन है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ आईफोन एक ऐसा शब्द है जिसको हम बोलते हैं पैसा कमाने की मशीन, क्योंकि ऑब्वियसली एक आईफोन आता है, अगर सपोज आईफोन में हम चार्जिंग यूट्यूब यूएसबी या नैंड या छोटा मोटा भी काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत एक बड़ी रकम बन जाती है, क्योंकि आईफोन खोलना ही कोई नहीं चाहता है। आईफोन के टेक्नीशियन बहुत गिने चुने हैं, बहुत ही ज्यादा कम। तो जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनपे बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन का ऐसा कोर्स लगा रहे हैं अपने आईफोन के लिए। बट बेसिकली हो क्या रहा है, आईफोन बहुत है यार, 6 से लेकर 13 प्रो मैक्स तक बहुत सारे मॉडल्स आ गए। पहले जैसा नहीं था, 2-4 साल पहले 11 प्रो था, 12 प्रो था, अभी 14 प्रो मैक्स चल रहा है। अभी जैसे आप 15 दिन के लिए जाते भी हैं तो उनका क्या है, कोई ऐसा बेस नहीं होता कि उनको हर सर्किट बनाना है। तो मेरा जो आपके साथ रिस्पॉन्स है कि भैया मुझे आपको हर सर्किट देना है। सो बेसिकली इस कोर्स में आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी ये कोर्स मिलेगा और जो iOS के साथ है उसके साथ भी उसको कोर्स को एक्सेस कर पाएगा, पूरे वर्ल्ड में एक्सेस कर सकता है। और कंटेंट की बात करें तो अभी मैंने सिर्फ आईफोन 6 पे कोर्स डाला है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप आईफोन 6 को समझे, क्योंकि जब तक आप बेसिक प्रायोरिटी सप्लाई को नहीं समझेंगे आप 14 प्रो मैक्स तक जा ही नहीं सकते। तो यहां पर अगर मैं सर्किट की बात करूं तो बहुत सारे सेक्शन जो हमारे बड़े बड़े जो स्कूल के या जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो छोड़ देते हैं। जैसे आप देखो, बूट सुकेन, डिस्प्ले सेक्शन, लाइट, टच आईडी, चार्जिंग सर्किट, यूट्यूब, ऑडियो प्रोसेसिंग, हैंडसेट वर्किंग, माइक, स्पीकर, रिसीवर, एमएक, वाईफाई, नैंड, बेसबैंड, और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के 98% आप किसी भी बड़े ऐसी जगह जाओ जो आपसे 1 लाख रुपए ले रहे हैं, वो आपसे सीपीयू निकलवा के तो लगा देंगे, बट इस सीपीयू निकालना लगाना आईफोन रिपेयरिंग नहीं होती है। क्योंकि जब कभी अगर आप नेटवर्क सेक्शन में फंसते हैं, जब आप नेटवर्क सेक्शन में फंसते हैं तब आपका टीचर एक ही बात कहता है कि आप स्वैपिंग कर दे सीधा, या सीएनसी बोर्ड ले और स्वैप कर दे अपने सेट को, छोड़ कहां तक उसको डिटेक्ट करेगा, इतनी सारी FEMIC, 2G, PFO, लो बैंड, अल्ट्रा बैंड, इतनी सारी चीज है, कहां तक समझेगा स्वैपिंग मार्क। और वो छोटी छोटी से फॉल्ट को निकालने के ना निकालने के चक्कर में 3000 का बोर्ड परचेस करके एक लमसम काम करते हैं। सो यहां पर जो कि फर्स्ट टाइम बेसबैंड सर्किट, 2G बैंड, 4G, 3G, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, फ्लैश एलईडी, वाइब्रेटर, एलडीओ, थर्मिस्टर और बेसिक कंपोनेंट डिटेल, मॉसफेट वर्किंग,
विद बाईपास सॉल्यूशन, डीसी बूट सीक्वेंस जो कि लोग देखकर बुलाते हैं, हाउ टू चेक बग वोल्टेज प्रॉपरली, बग वोल्टेज कैसे चेक करें एंड हाउ टू चेक बग जिया, डीसी मशीन रीडिंग, बोर्ड आईडी, फ्लैशिंग एरर विद डिटेल विद सॉल्यूशन एंड एनएफसी। तुम किसी भी ना इंडिया में अगर आईफोन अटेंड करते हो तो तुम किसी भी एक टीचर से बोलना, सर वो सब तो ठीक है, मेरे को एनएफसी सिखा दो, कैसे वर्क करता है, बिल्कुल मना कर देगा। बोलेगा एनएफसी सीखकर क्या करेगा, तू तो सीपीयू होता। तो मेरे भाई मैटर ये है कि अगर सिर्फ एक बड़ी आईसी उतारने तुम एक बड़ा कोर्स करते हो तो फायदा तो है क्योंकि तुम एक लेवल को तो क्रॉस कर जाओगे, पर घाटा सबसे बड़ा क्या है, जब छोटे छोटे सर्किट में आप फंसोगे तो हर बार आपको अपने टीचर को कॉल लगाना पड़ेगा हर छोटे से छोटे सेक्शन के लिए, सर मेरे पास एनएफसी का सर्किट आ रहा है, सर अपडेट फेरियल में आ गया मोबाइल में, क्या करूं, किसी भी चीज के सर मैं क्या करूं। तो ये छोटे छोटे अपडेट आप ये सोचो कि टीचर कैसे जान पा रहा है, आपने कभी ये सोचा कि आपका टीचर इतनी नॉलेज कहां से ला रहा है, कभी आपने ये देखा कि टीचर्स आपको क्यों जानकारी दे पा रहा है, टीचर के पास कहां से आ रही है जानकारी, रातों रात तो आ रही नहीं, या टीचर के पास में कहां से आ रही है, यो पैदा होकर तो लाया नहीं। तो टीचर्स बेसिकली और आप में और टीचरों में दो ही चीज का अंतर है कि आप डायरेक्ट सोल्यूशन के पीछे भाग रहे हो और जिंदगी भर डायरेक्ट सोल्यूशन के पीछे भागते रहोगे, और टीचर्स क्या कर रहा है वो पूरा पूरा प्रोसेस समझ रहा है। ये लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, थोड़ा सा लाइट, एक मीडियम लाइट खोलो, चलेगा मुझे ये दिखाना पहले। तो टीचर्स कैसे, आप बोलते हो सर मेरे को नेटवर्क का 4G सेक्शन नहीं काम कर रहा है, आप बोलोगे सर मैं क्या करूं, आपको डायरेक्ट सोल्यूशन चाहिए, आप टेक्नीशियन से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। मैं चाहता हूं कि आप टेक्नीशियन के आगे टीचर का कदम उठाओ, टीचर बन सकते हो आप भी, पर टीचर बनने के लिए आपको पूरा प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। प्रोसेस होता है बूट सीक्वेंस, कैसे सर्किट काम करता है, हाउ योर सर्किट इज वर्क। तो अगर हम बात करें, सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू थोड़ा सा, एक मैं डेमो के प्रोसेस के रूप में आपको एक सर्किट एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और ये वर्ड में पहली बार है, मैंने इतने लाइफ के कैरियर में बहुत बार पढ़ाया है, कितनी दफा मैंने कितनी क्लासेस ली है, पर पहली बार यूट्यूब में लाइव क्लासेस लेने जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको देखो और उसको समझो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पीछे बैठे मेरे सारे स्टूडेंट से, कि कौन कौन चाहता है एक सेक्शन समझना, याद है पक्का? चलो, तो आईफोन का एक डिस्प्ले सेक्शन में आप लोगों के सामने है, यहां पर देना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये सर्किट काम कैसे करता है, समझना। ये एक छोटा सा एक वीडियो है आईफोन 6 डिस्प्ले वर्किंग बूट सीक्वेंस के, अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आईफोन आता है और डिस्प्ले काम नहीं करता है, एक एक चीज ध्यान से देखो, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं फायदा उठाओ, देखो कि कल को जब तुम आईफोन पढ़ोगे तो तुमको ये चीजें समझ में आने वाली है कि नहीं आने वाली है। अच्छा, ये जो वीडियो है ये छोटा सा कंटेनर है डिस्प्ले में, इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो मैंने कोर्सेज के अंदर ऐड किए हुए हैं कि किस तरह से आप डीएसओ चेक कर सकते हैं, सारी चीजें एक्स्ट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसर्न आईसी, कौन कौन सी आईसी हमारे बोर्ड से जुड़ी हुई है जो रिस्पॉन्सिबल है आईफोन के लिए, आईफोन डिस्प्ले। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेन कंट्रोलर सीपीयू, जिसका नाम है U0201। तो हमेशा ध्यान रखना, आईफोन के लिए आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम की जरूरत पड़ती है, तो वूजिंग सबसे बेस्ट है। तो ये है मेन कंट्रोलर, जो कि आपको डाटा इमेज, जो भी आप इमेज अपने फोल्डर में या डिस्प्ले में देखते हो आईफोन के अंदर, वो इमेज को प्रोसेस करने का काम ये सीपीयू करता है। सेकेंड वन ये है U1202, दिस इज पावर। ये आईफोन में आपके डिस्प्ले का पावर है। अब आप सोचेंगे सर आप इसको ऐसा इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक्स या 13 प्रो या 14 प्रो पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आईफोन के अंदर डिस्प्ले सर्किट का खुद का पावर लगाया है। तो आपको यह पता होना है कि मेरे आईफोन में जो डिस्प्ले आ रहा है उसमें पावर कौन है, मेन पावर आईसी कौन सी है। सो ये है U1202 TMU मेन पावर सर्किट। अब ये है आपकी मेन डिस्प्ले आईसी U1501 डिस्प्ले बूस्ट सर्किट। ये आईसी हमारे एंड्रॉइड के जैसे, जैसे हमारे एंड्रॉइड में 15 वोल्ट का हमारा NTSM होता है, वैसे ही हमारे इसको चेस्ट मेश कहा जाता है। यह आईसी बूस्ट वोल्टेज बनाने का काम करती है और यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे ग्राफिक सेक्शन के लिए। अब इसके अलावा हम बात करें तो थर्ड उसके फोर्थ में आता है कनेक्टर, तो यह है J
2019 FPC फ्लैक्स, इसको बोलेंगे हम फ्लैश प्रिंट केबल कनेक्टर। ये रिस्पॉन्सिबल है जिसमें आपका डिस्प्ले का कनेक्टर ऐड होता है। अब हम बात करते हैं सर्किट की, तो आप ये देखिए कि जब हम एक लो आईक्यू का कोई बंदा जिसने आज तक कभी सर्किट नहीं देखा हो, जब वो इन सर्किट को देखता है तो उसके अंदर दिमाग में भी आईक्यू उसका सर्किट घूम जाता है। वो ये सोचता है यार ये कैसे होगा, लाइनें तो दिख जाएंगी धोनियों से या किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से, लाइनें तो दिख जाएंगी, पर आपको यह कैसे पता चलेगा कि वो लाइनों का महत्व क्या है और उस लाइनों में हमें बेसिकली एक्चुअल वर्किंग क्या है, हमें कौन सी लाइन पहले चेक करनी है। देखो तो टेक्नीशियन को यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आईसी लेवल पे काम करते हैं और आप अगर सर्किट की गहराइयों को जानना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, या ये कहो कि तुम खुद का तुम सोल्यूशन निकालना चाहते हो। अभी तुम देखो इंडिया में इतने सारे ग्रुप है, कितने सारे ग्रुप में आज के स्टूडेंट टीचर बन के बैठ गए हैं क्योंकि वो सोल्यूशन निकालना जान गए। सो आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, सोल्यूशन निकालिए, किसी सर्किट पे डिपेंड मत रहिए। अगर मैं इसमें बात करूं तो आइए इसका प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम फोन ऑन करते हैं हमारा मेन पावर U1202 PMU से एक सिग्नल जो कि फोटोन अलाइव करके कनेक्शन होता है वो हमारे डिस्प्ले सेक्शन को मिलता है जो 1.8 वोल्टेज की टच पर रहता है। आप ये सोचेंगे सर सिग्नल क्या होता है। देखो सिग्नल दो तरह के होते हैं, एक या वोल्टेज के साथ एक फ्रिक्वेंसी के साथ। तो यहां पर जो सिग्नल दिया जा रहा है ये फ्रिक्वेंसी ये वोल्टेज का सिग्नल है। तो जैसे आप फोन को ऑन करेंगे पहला वोल्टेज आपको 1.1 वोल्टेज मिलेगा जो कि डिस्प्ले लगाने के बाद मिलेगा। अब जब आप डिस्प्ले लगाते हैं, जैसे ही आप डिस्प्ले लगाएंगे तो यही वोल्टेज एक हाई वैल्यू रजिस्टर के साथ जो कि डिस्प्ले में लगा होगा रिवर्स होकर 16 नंबर की पिन से वापस जाएगा इसी आईसी को और इसके साथ बूस्ट आईसी को। तो ये क्या होगा, ये समझिए कि मेन पावर और बूस्ट आईसी को एक ईएन सिग्नल एक हम इनेबल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमने कनेक्टर लगाया है। जैसे हम कनेक्टर लगाएंगे व्हेन यू इंसर्ट योर डिस्प्ले कनेक्टर ऑन योर फोन तो आपके पास 1.8 वोल्टेज जनरेट होगा। अब आपको चेक ये करना है इन केस अगर आपके पास एक ऐसा फोन आता है जिसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, सो यू व्हाट यू नीड टू चेक ओनली ये 16 नंबर पे ये चेक करना है कि आपके 1.8 वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब इससे रिलेटेड और इससे कंसर्न जो रजिस्टर है या जो कैपेसिटर्स है वो मैं इसके बाद में ट्रबल शूटिंग के पार्ट में बताऊंगा। सो नोटिस करो, सबसे पहला वोल्टेज पावर देगा, फिर उसके बाद डिस्प्ले लगाने के बाद में रिवर्स वोल्टेज ईएन आएगा जो कि हमारे सबसे पहले पावर और बूस्ट आईसी को आएगा। जब तक ये वोल्टेज नहीं आएंगे कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर आप ये चेक करते रहेंगे मीपी की लाइन है तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे पहले डिस्प्ले से ही आपको 1.8 वोल्टेज जनरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों आईसीओ को जब पता चल जाता है कि 1.8 वोल्टेज इन दोनों को आ रहा है तब इसके बाद में सीपीयू हरकत में आता है। सीपीयू बहुत से लोगों को मैंने पढ़ाते हुए देखा है इंडिया में, कुछ भी बना रहे हैं क्योंकि वो प्रोसेस नहीं जानते, वो अपना ही प्रोसेस बना रहे हैं। सीपीयू जब वर्क करता है, हमेशा ध्यान रखना किसी भी सर्किट को उठा लो, लैपटॉप टीवी किसी भी इंजीनियरिंग फर्म में अगर किसी भी सर्किट को उठाओगे या जिसमें डिस्प्ले होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक सेक्शन, तो उसमें सबसे पहले सीपीयू जो पहली सिग्नल एक्टिवेट करता है वो होता है रिसेट की लाइन 1.8। सेम हमारे एंड्रॉइड में भी होता है। तो ये रिसेट की लाइन मतलब सीपीयू क्या करेगा, सारा चीज रिसेट करने के लिए 1.8 वोल्टेज को जनरेट करेगा और डिस्प्ले कनेक्टर को भेजेगा। अगर ये 1.8 वोल्टेज रिसेट जो कि यहां पर लिखा हुआ है AP2LCM एप्लीकेशन प्रोसेसर टू LCM, LCM मतलब आपका डिस्प्ले रिसेट कनेक्शन, तो ये वोल्टेज बनना चाहिए। तो सीक्वेंस नंबर 3, सीक्वेंस नंबर 1 जैसे कि हमने देखा पहला वोल्टेज फोटोन अलाइव जो मिलेगा, सीक्वेंस नंबर 2 जब कनेक्टर लगाएंगे तो रिवर्स वोल्टेज चेस्टनेस 1.8 जो कि हमारे इन दोनों आईसी को इनेबल करेगा, सीक्वेंस नंबर 3 फिर सीपीयू बूटअप के टाइम पे पहला रिसेट सिग्नल देता है। अब सीक्वेंस नंबर 4, सीक्वेंस नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे विद साइमल्टेनियसली एक और वोल्टेज साथ में जाएगा जिसको हम बोलते हैं 1.8 VIO, तो यहां पर VIO ना बोल के LCM कनेक्शन बोला जाता है। सो ये दो वोल्टेज एक साथ चलेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक बात कहें तो दोनों वोल्टेज एक साथ ही निकलेंगे। सो आपको यहां पर 40 और 29 नंबर पर 1.8 वोल्टेज चेक करना है। इफ यू विल नॉट गेट वोल्टेज ऑन 20 नंबर 29 नंबर सो दिस इज द फॉल्ट ऑफ मेन पावर आईसी एंड इफ यू विल नॉट
get voltage on 40 number. So this is the main fault of your CPU. But अगर आप reset की line की बात करें, अगर आपको यहाँ पे connectivity नहीं मिलती है, suppose you will not get GR on the pad, तो आप क्या कर सकते हैं? You can bypass. हमने इसका video भी बनाया है, so आप bypass कर सकते हैं. iPhone में 2014 से bypass हो रहा है. इसमें एक LDO IC लगती है 4 lakh की. इसके अलावा transistor लगा सकते हैं और एक MOSFET जो कि P channel का MOSFET यूज कर सकते हैं, right? अब उसके बाद अगर हम सुकैन जाने, तो उसके बाद में जब सर्किट बूटअप होता है, देखो ये सारी चीजें है ना, मैंने आपको सुकैन्स में बताई हैं, पर जब फोन ऑन होता है तो ये सब कुछ एक साथ चलता है. इसी को मैंने कहा एनिमेटेड सर्किट. जैसे ही फोन बूटअप होता है तो आपका जो आईफोन है उसका जो मेन सीपीयू है A8 6 में, तो वो सबसे पहले I2C लाइन निकालता है. I2C पहला प्रोटोकॉल होता है जो बूटिंग के टाइम पे ऑन होता है. तो I2C लाइन दो जगह जाती है, नोटिस करो, 18 नंबर प्लस 20, मतलब वो डिस्प्ले करेक्टर को, डिस्प्ले को मिलेगी, एंड करंट डेंसिटी वो U1501 जो आपकी IC को भी मिलेगी. मतलब आपका I2C प्रोटोकॉल दोनों को एक साथ एक टाइम पर मिलना जरूरी है. जैसे ही इसको I2C प्रोटोकॉल मिलता है और इसको EM मिल रहा है, तो ये IC इनेबल करेगी, स्विचिंग करेगी और अपने बूस्ट वोल्टेज पैदा करेगी. और उसके बाद जो इसका बूस्ट वोल्टेज होगा वो होगा PP5V7, जिसको हम बोलेंगे पावर प्लस 5.7 LCM प्लस और 5.7 माइनस. तो दो बूस्ट वोल्टेज बनेंगे. जैसे आप एंड्रॉइड में देखते हैं कि आपको प्लस 5 माइनस 5 मिलता है, वैसे ही आईफोन में आप नोटिस कीजिए इधर कि यहां को आपको प्लस 5 और माइनस 5, प्लस 5.7 और माइनस 5.7 आपको यहां पर देखने को मिलेगा. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस और अब फिर से इसको एक्सप्लेन करने का मैं चाहूंगा. तो सबसे पहला प्रोसेस जो है, जैसे हम फोन ऑन करेंगे, पहला बूट सिक्वेंस फोटो एनालाइज 1.8 वोल्टेज जो कि आएंगे पावर आईसी के साथ, नहीं आए तो इसको रिवोलो चेंज करना है. सेकंड, जब हम डिस्प्ले लगाएंगे तो LCM टू चेस्टनेस 1.8 रिवर्स जाएगा जो कि एक EN होगा इन दोनों के लिए, नहीं आ रहा है तो आपको डिस्प्ले का फोल्डर और करेक्टर को रिसोल्ट करना है. यू कैन ऑल्सो बाईपास, आप ज्यादा 1.8 वोल्टेज को इनेबल करने के लिए भी डाल सकते हैं. ये सारी चीजें मैंने कोर्स में आगे बताएंगे कि कैसे हम इसको इजी कर सकते हैं. थर्ड वन, LCM तो AP to LCM रिसेट, जो कि इस लाइन को रिसेट करने के लिए किसी भी फ्रिक्वेंसी को पहले रिसेट होना पड़ेगा, ठीक है, जीरो. जब वो जीरो होगी तो ही वो हाई होगी, लो हाई. कोई भी फ्रिक्वेंसी पहले लो होती है उसके बाद ही हाई होती है, वो हाई से डायरेक्ट लो नहीं होती है, लो हाई. तो रिसेट लाइन जो कि उसको लो करेगी, फिर उसके बाद कॉमन डेंसिटी 1.8 LCM कलेक्शन चलेगा और उसके बाद में फिर I2C प्रोटोकॉल के साथ में ये IC एक्टिवेट होगी विद EM सिग्नल विच कम फ्रॉम डायरेक्टली कनेक्टर J2019. एंड उसके बाद ये सब होने के बाद आपके मेन डाटा, तो आपके डिस्प्ले पे जो डाटा आएगा वो आएगा थ्रू MIPI, जिसको हम बोलेंगे मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस. सो MIPI की लाइनों के थ्रू आएगा. आपने देखा होगा एंड्रॉइड में 5 कॉइलें होती हैं, यहां आईफोन में केवल 4 कॉइल है, 0 1 0 0 1 2 3 एंड इसके साथ. सो बेसिकली यहां पर क्या होता है, यहां 0 होता है 1 एंड 2, ये डाटा है हमारा, जिसमें हमारी डाटा इमेज जो भी डिस्प्ले में आपको इमेज दिखता है वो बेसिकली यहां से फ्रीक्वेंसी जा रही है. यू कैन चेक दिस ऑल डाटा बाय DSO, डिजिटल ऑस्किलोस्कोप, आप उससे चेक कर सकते हैं. प्लस वो डाटा रिकॉग्नाइज है कितनी स्पीड में है, वो सारी चीज के लिए उसको क्लॉक स्पीड दी गई है. तो इस तरीके से हमारा सर्किट वर्क करता है. अगर थोड़ा प्रोटोकॉल की बात करें और टेस्टिंग की बात करें, तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये फोन आता है तो यू व्हाट यू नीड टू चेक, फर्स्ट आप इसको चेक करना है सबसे पहले कनेक्टर का GR. तो तुमको सबसे पहले कनेक्टर का GR चेक करना है, जो कि आप चेक कर सकते हैं इमीडिएटली अपने वूजी या ZSW या JCID के साथ. सेकंड, जैसे हम सेकंड में देखो मैंने क्या किया, आप लोग, मैंने इस एप्लीकेशन में लोगों को किसी भी तरीके से कुछ भी ढूंढने का मौका नहीं दिया, सब कुछ यहां लिखा है हर एक चीज. दूसरे नंबर पे क्या चेक करना है अगर आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, सो पिन नंबर 10 PMU प्रोटोन अलाइन, मतलब 1.8 वोल्टेज इज रजिस्टर्ड, बस आपको सिर्फ वो रजिस्टर डालना है अपने सॉफ्टवेयर में और 1.8 वोल्टेज वहां चेक करना है. उसके बाद फिर आपको चेक करना है चेस्ट नेट की पावर EN जो कि डिस्प्ले करेक्टर लगाने के बाद आएगा और 1.8 LCM एज VIO FL व्हिच इज कॉल्ड कॉइल. सो ये हमारे नॉर्मल कॉइल होता है. FL जैसे जनरली हम बात करें हमारे एंड्रॉइड में इसको L से नाम से दिखाते हैं,
यहां पर हम आईफोन में इसको एफएल के नाम से दिखाते हैं, सो एफएल कॉल्ड कॉइल, नॉर्मल कॉइल। तो ये दो एफएल चेक करेंगे, ले देखे इन तीनों कंपोनेंट्स पर 1.1 वोल्टेज आना चाहिए फोन बूटअप करने के टाइम पे। इन केस अगर नहीं आता है सो हम इसको बाईपास कर सकते हैं तीनों के तीनों को। आपको पावर आईसी उठाने की जरूरत क्यों, रीजन समझो। अब आपको समझना है, ये मेन है, यहां टीचर का इंपॉर्टेंस है और यही दिमाग का काम है। आपको ये देखना है कि वोल्टेज कहां से आ रहे हैं, आपको ये देखना है कि वोल्टेज किस वजह से बन रहे हैं और क्या वहां पे से वोल्टेज बन रहे हैं, क्या वहां पे फ्रीक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर इनके फ्रीक्वेंसी बन रही है तो यू कैन नॉट बाईपास, बट अगर वोल्टेज बन रहा है तो यू कैन बाईपास। आप इसको 1.8 तीनों को कहीं से भी डाल के इसको बना सकते हैं इजीली। यू को डोंट नीड टू रिवोल योर टच योर पावर आईसी एट ऑल। अब देखने वाली बात है उसके बाद AP2 LCM reset, which is also you can bypass। अब तो इतनी सारी सर्किट है, you can make bypass through your transistor or MOSFET, आप इसके थ्रू भी आप इसको बाईपास कर सकते हैं, and with the LDO IC जो कि बहुत पहले से आ रही थी, and with I2C line you can check by the DSO and this two coil, so you can check this two coil 1.8 voltage connected with a pull-up resistor, 2.2 के resistor, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। Next, what do you have to check? What do you need to check? +5, -5. अगर आपको नोटिस करो, अगर आपको ये तीन वोल्टेज मिलते हैं, दैट मीन ओके नेक्स्ट, एंड देन आपको इन तीनों पर भी 1.8 वोल्टेज मिलते हैं, दैट मीन योर सर्किट इज बिगिन इज गुड, मतलब आपका सर्किट अभी सही चल रहा है। नाउ यू नीड टू चेक योर बूस्ट वोल्टेज 5.7 -5.7, विच आपको जो चेक करना है वो ये दो कॉल है FL2037 FL2061। इन द केस की कैसे चेक करना है, लेट मी शो यू। जैसे आप मान लीजिए ये चेक करते हैं FL2037 सपोज, सो आपको क्या करना है, आपको अपना डायग्राम ओपन करना है। जैसे सपोज इसको बोलते हैं JC ID, ध्यान दीजिए ये JC ID है, वैसे ही वू जी बोलता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर वर्ड का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर, तो मैं बोलूंगा वू जी। तो यहां पर भी आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको वू जी से शो करवाना चाहूंगा, नोटिस कीजिए। तो हम वू जी को ओपन करेंगे, बस दो मिनट और लूंगा मैं आपके। ये वूजिंग है, ये फोनकॉन कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे बेस्ट है आई थिंक किसी टेक्नीशियन के लिए। अगर आप लोग ZXW लेने के चक्कर में तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ZXW बहुत पुराना हो चुका है, उसने अपने आपको अपडेट भी नहीं किया है। वूजिंग एक सबसे अच्छा और एक हाईटेक सॉफ्टवेयर है। देखिए फुल चाइनीज है बट हमें यहाँ पर इंग्लिश मिल जाता है। अगर आप देखेंगे तो ना यहाँ पर आपको दुनिया भर के लोगो दिखाई देंगे, इसमें से एक वन ऑफ लोगो हमारा भी है, क्योंकि आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ फोंगकॉन चाइना, तो मैंने इनके हाथ से भी एक कोर्स किया था 2020 या 2019 में भी, तो तब मुझे इनसे भी काफी अच्छा नॉलेज मिला था। यहां पर आपको अपना मॉडल सिलेक्ट करना है, सबसे खास बात इसकी ये होती है ये सर्किट के साथ, मतलब ये बिटमैप के साथ सर्किट भी ओपन करता है। ZXW में ऐसा नहीं है, ZXW में ऐसा नहीं है, वहां फिक्स करके कॉम्पोनेंट एक सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ हमें उसको ओपन करना पड़ता है। नोटिस करो अब यहां पर देखो, यहां जो ओपन हो रहा है ये इसका स्कीमेटिक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो आईफोन में सब कुछ आपके हाथ में है, बट आपको समझना है प्रोसेस। ठीक है, नोटिस कीजिए, अब आप यहां पर वो ही डालेंगे कॉइल R0R2037 FL2037 राइट। देखिए तो जो मैंने वहां पर डाला है आपको वही चीज ढूंढनी है, FL2037 राइट ऑन द टॉप राइट। ये देखिए तो यहां पर आप देखिए तो आपको एक कॉइल देखने को मिलेगा, ये एक नॉर्मल कॉइल है। इस कॉइल पर आपको 1.8 वोल्टेज चेक करना है,
ये कॉइल की बेसिकली अगर हम बात करें यहां पर आप देखिए व्हाट इज रूम एंड व्हाट इज एलसीएम बी2बी, अगर हम इसकी बात करें ये बता रहा है हमको ये कहां लगा हुआ है, बेसिकली ये इसकी लोकेशन है। तो ये बी2बी कनेक्टर में है, वो जो कि डिस्प्ले का कनेक्टर होता है वहां लगा हुआ है, और ये इसका कॉइल का नंबर है। और यहां पर बात करेंगे तो कॉइल के ऊपर 0.4 ये इसका मान है, तो बेसिकली ये 0.4 ओम्स का है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कॉइलों का बेसिकली मान 2.5 के अंदर रहता है। तो यहां पर देखिए जो करंट चलेगा मतलब जो एम्पियर होगा उसका लोड होगा 0.2A मतलब 0.2 एम्पियर जो कि बहुत ही कम है। और यहां पर नोटिस कर लीजिए, देखो यहां पर वोल्टेज जो चलेंगे पीपी 5.7 एलसीएम। तो अगर ये कॉइल ओपन होता है, अब ये कहां लगा हुआ है, अब हमें ये ढूंढना है, तो इस पर डबल टैप करेंगे तो ये देखो ये हमारे को बिटमैप ओपन हो जाएगा और हमारे को हमारे आईफोन में यहां पर ये कॉइल लगा है। तो यहां से एक ऑप्शन होता है जिसको हम क्लिक करते हैं तो ये पूरे रियल व्यू में आ जाता है। ये देखिए, तो ये हमारा पार्ट यहां लगा हुआ है। तो ये कॉइल पे आपको चेक करना है 5.7। तो ठीक इसी तरीके से एक कोर्स को डिजाइन किया हुआ है जिससे डायरेक्टली आप चेक करेंगे, मतलब आपको किसी से पूछना नहीं है कि सर अब क्या चेक करूं कौन से बोल करूं, क्योंकि यहां पर स्टेप टू स्टेप डाला गया है। और आईफोन के इंस्टीट्यूट में कोई हमारी बात नहीं करते, हम तो सिखाते ही इस बूट सुटकेस पर एंड्रॉइड की, पर आईफोन के में ऐसा पढ़ाया नहीं जाता कहीं पर भी, आप सर्किट लेवल पर नहीं बताया जाता, वहां पर सीधा बताया जाती है भाई तुम्हारा ग्राफिक्स नहीं आ रहा है चेंज और चेसनेस बदल दो, नहीं आएगा तो भैया स्वैपिंग मारो, वो ज्यादा खेलते ही नहीं है, सीधा जाता है या तो बोलेंगे करेक्टर का जीआर ले लो या तो चेसनेस चेंज करो। They don't know, they also don't know कि कैसे वर्क करता है, कौन सा सीक्वेंस है। तुम पूछो किसी अपने टीचर से सर एनएफसी कैसे काम करता है, नहीं बताएगा, वो बोलेगा तुम मुझे लाख रुपए भी दे दे नहीं बताऊंगा, उसको खुद नहीं पता होगा। तो मैं वापस अपने सर्किट में जाना चाहता हूँ, नोटिस कीजिए, और इस बार स्टूडेंट मेरे साथ में बोलेंगे मुझे बताओ ये जो आईसी है सीपीयू उसका नंबर क्या है, बोलो Which is responsible for the making of your data process, data, जिसको हम data processing बोल सकते हैं। Second IC, कौन सी IC है? जल्दी बताइए। PMU, सब लोग एक साथ बोलेंगे, बोले। U120 PMU, ये IC कौन सी IC है? जल्दी बताओ। कौन सी IC है? Display, boot, बोलो कौन सी IC है? यहाँ पर बोलो। Display, boot IC। भाई तुम लोगों की आवाज पूरे हॉल में गूंजनी चाहिए, थोड़ा सा तेज बोलो क्योंकि हमें लाइव है, लाइव बताना है। तो ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर हो गया। अब मुझे बताना सबसे पहला वोल्टेज कौन सा मिलेगा, जैसे हम डिस्प्ले लगाएंगे तो सबसे पहला वोल्टेज कहां से आएगा, कितना, वेरी गुड। उसके बाद जैसे डिस्प्ले लगाओगे तो रिटर्न वोल्टेज कितना जाएगा, किसकी आईसी को, और डिस्प्ले आईसी बोलो PMU और डिस्प्ले आईसी। अब इसके बाद फिर जैसे ही ये दोनों वोल्टेज मिल जाएंगे तो उसके बाद सीपीयू कौन सा वोल्टेज बनाएगा, बोलिए बोलिए, रिसेट की लाइन वोल्टेज बोले 1.8, रिसेट की लाइन के साथ में एक वोल्टेज और बनेगा जो कि इसके VRO है, कितना वोल्टेज बोले 1.8। फिर इसके साथ में जो सीपीयू बूटअप के टाइम है कौन सी लाइन को एक्टिवेट करेगा, I2C बोलो, कौन सी लाइन, I2C दो जगह जाएगी, डिस्प्ले कनेक्टर के साथ में और कहां जाएगी बताइए, डिस्प्ले आईसी बोलो, डिस्प्ले आईसी। अगर इतना सब कुछ सही है तब डिस्प्ले आईसी आपका आउटपुट बनाएगा और वो आउटपुट होगा प्लस 5.7 माइनस 5.7 बोले माइनस 5.7, और इसके बाद तब जाके आपको डाटा मिलेगा और डाटा मिपी की लाइनों से मिलता है, किसकी मिलता है बोलिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी फिलहाल इतना सर्किट किस किस को समझ में आया, हेलो पक्का, थैंक यू सर। तो जैसे कि हम आगे बढ़ रहे थे, हमें यहां तक हम आ गए थे, ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि टीचर्स नहीं बताते हैं, मैं आईफोन की बात कर रहा हूं भाई, तुम ऐसे टेलीकॉम से पढ़कर आए हो, तुमको वो चीज मिली है जो तुम्हें सोच नहीं सकते थे, इसलिए तो मैं ना तुमको लग रहा हर इंस्टीट्यूट ऐसा देता है, पर तुम जब दो तीन इंस्टीट्यूट से पढ़कर आते और जब तुम्हें पता चलता है कि यार सर वो तो कुछ नहीं पढ़ाते, वो तो डायरेक्टली है उनका काम ही ये है, तब तुम्हें और अहमियत पता चलती कि एसर टेलीकॉम ने तुमको क्या दिया हुआ है। मैं अभी फिलहाल ये जानना चाहता हूं तुम सब स्टूडेंट से,
मुझे बताओ देवन से लेके अभी तक किस किस का पैसा वसूल हुआ है? हेलो पक्का? यस सर। अभी मेरी क्लास के बाद मिलन सर की क्लास चल रही है, मिलन सर की क्लास किस किस को पसंद आई? हेलो पक्का? यस सर। ब्लैक पैसे कौन कौन उठा लेगा? यस सर। क्या बात, कल हमारी नैंड और डुअल लेकर की क्लास है। अब यहां पर ध्यान दो, ये है चेक फ्रीक्वेंसी ऑन डिस्प्ले। मतलब अगर आप डीएसओ रखते हैं अपने पास तो आप डीएसओ से कैसे चेक करेंगे? यहां मैंने जितना भी फोटो से बताया है उतना ही प्रैक्टिकल मैंने इस ऐप में भी डाला है। मतलब यहां प्रैक्टिकल वीडियो भी है थ्योरिकल के साथ। सो यहां बताया गया है पिन नंबर 18 एंड पिन नंबर 20 विच इज अगर हम बोल सकते हैं एससीएल एसजीए कनेक्शन, तो हम उस लाइन पर चेक कर सकते हैं। तो हमको जो प्रोटोकॉल के हिसाब से है पल्स इस तरह की मिलनी चाहिए, ये रियलिस्टिक पल्स है। आप जब डीएसओ को यूज करोगे तो आपको पल्स ऐसी ही मिलेगी। तो ये मैंने कहीं गूगल से उठा के नहीं डाली है, इसको रियलिस्टिक पल्स के हिसाब से बनाया हुआ है। और अगर मैं बात करूं इसके बाद अगर आपको चेक करना है कि योर बीपी सप्लाई इज वर्किंग और नॉट, बिकॉज सिर्फ जीआर से हम उसको चेक नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड असिस्टेंट विल नॉट टेल यू दैट बीपी लाइन इज वर्किंग फ्रॉम द सीपीयू और नॉट, बट हम उसको चेक कर सकते हैं डीएसओ से। सो पिन नंबर 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 and 25 विच इज कनेक्टेड विद द रेल ऑफ बीपी कॉइल्स और बिटवीन दिस लाइन इज कनेक्टेड बिटवीन सीपीयू एंड डिस्प्ले कनेक्टर। सो ये दोनों लाइनों के बीच में जो हमारा होता है वो मिपी कॉइल्स होते हैं। सो यहाँ पर जो मिपी की फ्रिक्वेंसी बनती है वो फ्रिक्वेंसी देखो डाटा के रूप में इस तरह से बनती है। सो दिस एप विल टेल यू द हाउ योर फ्रिक्वेंसी इज एक्चुअली क्रिएटेड, बिकॉज आप जब दिस डीएसओ लगाएंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो ये आपको रियलिस्टिक आपको मैंने यहाँ बताया है कि कैसे बनना चाहिए। तो ये बीपी की रेल है, दिस इज योर बीपी कॉइल जिससे आप इसको टच करके चेक करेंगे, एंड इसका भी प्रैक्टिकली वीडियो मैंने डाला है। एंड दिस इज द बाईपास ऑफ एलसीएम रीसेट जो कि 2014 से चल रहा है। एलसीएम रीसेट बाईपास एक एलडीओ आईसी होती है, ध्यान दीजिए कहां से लेनी है किधर से परचेज करनी है मैंने सारी चीज एप्लीकेशन में बताई है। ये एलडीओ आईसी क्या करती है कि जो सीपीयू से लाइन कट जाती है उसका रीसेट लाइन बनाने का काम करती है। तो यहां पर ये एलडीओ रहता है जैसे लो ड्रॉप आउट इन आउट बीसीसी इन ग्राउंड, तो यहां पर इसका जंपर बताया गया है कि कैसे उसको बाईपास करना है। और उसके साथ फिर छोटे छोटे सोल्यूशन दिए गए हैं कि सपोज अगर ये आईसी खराब होगी तो क्या रिजल्ट हो सकता है, यहां पर लगा हुआ डिस्प्ले कनेक्टर क्या रिजल्ट दे सकता है, कॉइल्स खराब हो गए तो क्या रिजल्ट दे सकते हैं। और ये है टोटल समरी, समरी में आपको स्टेप टू स्टेप और गाइडेंस दी गई है कि कैसे आपको इसको चेक करना है। हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पर फिर भी ओवरऑल मैंने आपको समरी यहां पर दी है। तो इस तरह का है कुछ हमारा एप्लीकेशन। तो मैं पूछना चाहूंगा यहां बैठे लोगों को कैसा लगा भाई? हेलो, किस किस को अच्छा लगा? पक्का? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाइव सर का थैंक यू कर दो, खड़े होंगे मैं यहाँ पर। अरे आप लोग मत करें, बैठ जाओ। अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा कुछ गेस्ट जो कि यहाँ हैं बहुत दूर से हमारे, कि उनको कैसा लगा भैया। हमने लाइव में बहुत प्रेजेंटेशन दिए हैं बट ये कुछ खास है क्योंकि यहाँ पे दो फैमिली हमारी एक साथ पहली बार मिली है। मेरी मम्मी, मेरी दो मम्मी आई है यहाँ पर दोनों पक्ष से। तो सबसे पहले मैं मम्मी को बुलाना चाहूंगा। मम्मी आओ, लाइट चालू करो, पानी ले आओ, लाइट चालू करो, पीछे से लाइट मेरे को देना चाहिए ना आपको, आप मुझे दीजिए, मेरे को दे दो, लाइट चालू करो। हाँ भाई, कैमरामैन, एक कैमरामैन को एडजस्ट करो फोटो लेने के लिए। तो मैं चाहूंगा मेरे साथ मिलन सर और दुर्गेश सर आए। गिव मी अ बिग हैंड्स फॉर देम यार, बहुत मेहनत के लोग हैं। मिलन सर हेलो, आओ दुर्गेश सर। तो एशिया टेलीकॉम अकेला एक झंझरी बना, एक टीम से मिलकर बना है और हमारी टीम है ये आप में जो देख रहे हैं। चलिए तो पहले फोटो कहाँ है, क्यों फोटो लो सामने खड़े होके, कहाँ है अनिल, तू वहां पे सामने खड़े होके फोटो ले, रील मत लो ना फोटो ले। Yeah, that's a good one. Right, okay.
थोड़ा बोलिए प्लीज, क्या बोल रहे हैं? हाँ बोल, तो पानी अरे पानी लेके सभी को नमस्कार। महादेव की कृपा, कुल देवी महालक्ष्मी की आशीर्वाद से एशिया टीवी पिछले 5-7 वर्षों में निरंतर अपनी ऊंचाइयां, सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है। फ्रेंड्स, एशिया टेलीकॉम केवल टेक्नीशियन तैयार नहीं कर रहा है, वो निरंतर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्टार्टअप कार्यक्रम का जो एक मुहिम है उसको आगे बढ़ा रहा है। एक व्यक्ति नौकरी की राह नहीं देख रहा, वो केवल अपना व्यापार करे और साथ में कई अन्य को नौकरी दे, वो इतना सक्षम बने कि वो कई अन्य को व्यापार करने की को दे, फिर वो कई अन्य को दे, वो कई अन्य को दे। ऐसे ही सारे देश से हम रोजगार पैदा कर सकते हैं और सभी हमारे को हमें बहुत खुशी है, निरंतर सफलता प्राप्त कर रहा है एशिया के। फ्रेंड्स, सफल तो सभी होते हैं, पैसा सभी कमा लेते हैं, अपने जीवन में खुशहाली सभी लाते हैं, लेकिन कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत जुनून की आवश्यकता होती है। पैसा कमाना एक व्यापारी भी कमा लेता है, कपड़े का व्यापारी कमा लेता है, एक नौकरी करने वाला भी पैसा कमा लेता है, लेकिन देव सर ने, बेटा है मेरा, देव ने पैसा कमाने को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, वो निरंतर कुछ ना कुछ उपलब्धि प्राप्त करने को अपना लक्ष्य बनाया है। उसने पहले 2 बुक्स लिखी, वो हिंदी में थी, फिर डिमांड आई कि नहीं इंग्लिश में लिखो, फिर उसने उसको इंग्लिश में आगे बढ़ाई, फिर पूरे देश भर में वो बुक्स जाती हैं, देश भर से नहीं, आपको पता है विदेशों से बच्चे आते हैं, देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा चुका है एशिया के लिए। फिर इसने वहाँ भी एप्लीकेशन बनाई, इसकी डिमांड बहुत समय से आ रही है, पर ये अपने उसमें लगा हुआ था। इस एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, 1 महीना समय नहीं दे सकते हैं, और वो चाहते हैं अपने घर में भी कुछ ऐसा कर सकें, और वो बहुत से बच्चे फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने ऐसा किया कि आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, अपने लैब में, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप और आगे का अपना काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बंधु, इसके लिए बहुत जुनून की आवश्यकता होती है, निरंतर छोटी सी उम्र में इतनी कामयाबी हासिल करना बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत जुनून चाहिए। उसको पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं है, उसको अभी शांति नहीं है, उसको आगे और बहुत आगे जाना है, और वो चाहता है उसका हर स्टूडेंट में ये जुनून हो। आप लोग भी अपना लक्ष्य निर्धारित